आज बिहार से हावड़ा के बीच एक नई स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है। ऐसे में इस ट्रेन के डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब। दरअसल छठ पूजा के बाद अब बिहार से लौटने वाले पैसेंजरों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में लंबी वेटिंग हो रही है और यही वजह है कि स्पेशल ट्रेनों का एक्सटेंशन भी रेलवे कर रही है। ऐसे में जिन नई रूटों का चयन किया गया उसमें से बिहार के पटना रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए एक नई स्पेशल ट्रेन ट्रेन नंबर 02304 के साथ आज चलाई जाएगी। यह ट्रेन पटना से हावड़ा के लिए दोपहर में 2:40 पर प्रस्थान करेगी, जो कि तमाम रेलवे स्टेशन के रास्ते यह ट्रेन हावड़ा तक जाएगी, जिसमें कि यह ट्रेन पटना से खुलने के बाद पटना साहिब, बख्तियारपुर जंक्शन, मोकामा, किउल, झाझा, जसीडी, मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल, दुर्गापुर, वर्धमान के रास्ते हावड़ा पहुंचेगी। बिहार के राजधानी पटना रेलवे स्टेशन से हावड़ा के बीच 534 किलोमीटर का यह ट्रेन सफर तय करके पहुंचेगी, जहां पर कि पटना रेलवे स्टेशन से दोपहर में 2:40 पर यह ट्रेन प्रस्थान करेगी, जो कि पटना साहिब यह ट्रेन 2:55 पर, बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन यह ट्रेन 3:35 पर और मोकामा यह ट्रेन 4:22 पर आएगी। इसके बाद यह ट्रेन 5 बजे किउल पहुंचेगी, जहां पर किसी ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज यहां पर भी रेलवे की तरफ से दिया गया है। यहां से प्रस्थान करने के बाद यह ट्रेन झाझा, जसीडी, मधुपुर, चितरंजन, आसनसोल के रास्ते दुर्गापुर पहुंचेगी। दुर्गापुर यह ट्रेन 8:35 पर रात में और यहां पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज के बाद यह ट्रेन वर्धमान के लिए प्रस्थान करेगी और इसके बाद यह ट्रेन हावड़ा जंक्शन 11 बजे रात में उसी दिन पहुंचेगी। ऐसे में इस ट्रेन का संचालन आज शुरू होने जा रहा है, जो कि एक बड़ी अपडेट है। और आने वाले नए ट्रेनों के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।